और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं, राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति से मिलकर पीएम ने अपना इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं, नई सरकार बनने तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति से मिलकर पीएम ने अपना इस्तीफा सौंपा है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। अब जो घटक दल हैं एनडीए के, वो अपना पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति को, समर्थन पत्र, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के बाद लौटते हुए उनकी गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति भवन से नीचे उतरते हुए, लुटियन जोन की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है उनका। अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाए जाने का दावा पेश करते हुए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? क्या तमाम जो घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र आज ही सौंपने वाले हैं? देखिए विद्या, अब से कुछ ही देर पहले रायसीना हिल्स की पहाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकला है। राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी अब आधिकारिक तौर पर नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है और एनडीए की बैठक भी 7 LKM पर होगी, जिसमें सहयोगी दल जो है, सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपनी एक आम सहमति तय करेंगे और उसके जो समर्थन का पत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसमें जो मैजिक फिगर होता है उसके आंकड़े को बीजेपी दिखाएगी कि एनडीए के साथ ज्यादा है, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति जो है उनको निमंत्रण देंगी ओथ सेरेमनी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। तो आज एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए के सभी सहयोगी दल समर्थन का पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और उसके बाद जानकारी यही मिली है कि लगभग 8 तारीख को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है, उसकी कवायद पूरी की जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया अलायंस को किसी भी प्रकार का मौका एनडीए नहीं देना चाहता, इसीलिए सारी तैयारियां बहुत जल्द की जा रही है। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके अगले दिन ही आज 2.0 की आखिरी कैबिनेट बैठक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिनर देंगी राष्ट्रपति, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है और यहां से निकलकर वो सीधे 7 LKM पहुंच रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे एनडीए के बड़े नेता पहुंचेंगे और वहां पर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ उनकी डिमांड्स होंगी, उन तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद समर्थन का जो पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद ओथ सेरेमनी 8 तारीख को बताई जा रही है, यानी मोदी सरकार 3.0 जो है वो 8 तारीख को शपथ लेगी और उसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। रविकांत, इस बीच ये भी बताइए कि इस दौरान जो प्रधानमंत्री पद का कार्यभार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभाले रहेंगे, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना इस्तीफा सौंपते हुए द्रौपदी मुर्मू को ये इस्तीफा सौंप रहे हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। रविकांत, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार ये तस्वीर जो अब से कुछ ही मिनट पहले की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, ये उसी वक्त की तस्वीर है और इसके बाद की जो तस्वीर जो आप देख रहे थे कि काफिला निकल गया था राष्ट्रपति भवन से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस्तीफा सौंप दिया है और फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए वो दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन इस बीच अहम बैठक होनी है, एनडीए की बैठक होगी आज शाम को, इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से
और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपनी स्वीकृति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके बाद दावेदारी पेश की जाएगी सरकार बनाने की। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस्तीफा सौंपा है उसकी तस्वीर राष्ट्रपति के साथ आ गई है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब 8 जून तक का जो कार्यभार होगा वो प्रधानमंत्री संभालेंगे जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। देखिए, संविधान के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, राष्ट्रपति उनसे कहती हैं कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप केयर टेकर की भूमिका निभाएंगे, यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अभी पूरा कामकाज देखेंगे जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है। जानकारी यही मिल रही है कि 7 तारीख को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा और उससे पहले एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना जो समर्थन का पत्र होता है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जब 4 बजे 7 LKM पर ये बैठक प्रारंभ होगी उस दौरान समर्थन का पत्र जो है सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी को देंगे और उनके घटक दल के नेता यही रायसीना हिल की जो पहाड़ियां विद्या दिखाई दे रही है यहीं से चलकर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी देते हैं कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद बहुत शुक्रिया रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आज हम बैठक होनी है एनडीए की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं।